नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। 15 जनवरी को बाबा गुरु श्री गोरखनाथ को चढ़ेगी खिचड़ी। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच बांटे फल व अन्य खाद्य पदार्थ। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में 16 को खजनी में होगा जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। ट्रिपल तलाक और नशा मुक्ति जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर राजनीति की शीर्ष गद्दी पर बैठे नेताओं से मुलाकात करेगी महिला सेना। गोरखपुर महोत्सव के अध्यक्ष एवं कमिश्नर अनिल कुमार के अनुसार गोरखपुर महोत्सव में शिल्प मेला, बुक फेयर, ट्रेड फेयर और ऑटोमोबाइल्स फेयर आगामी 17 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और परिषदीय अनुदेशक संघ के लोगों ने किया बिछाटन, 17,000 मानदेय की मांग कर रहे हैं अनुदेशक। अब समाचार विस्तार से। यूं तो गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले खिचड़ी मेले का आकर्षण श्रद्धालुओं के लिए हर वर्ष रहता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बार खिचड़ी मेले का उत्साह कुछ और ही है। देश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन यूपी में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि भगवान शिव ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ पीठ की खिचड़ी तो पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ बाकायदे खिचड़ी मेला लगता है। भगवान गोरखनाथ को पहला भोग आज भी खिचड़ी का ही लगता है। मकर संक्रांति के दिन नेपाल राजघराने से बनकर आई खिचड़ी का ही भोग गोरखनाथ मंदिर में चढ़ता है। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा जाता है। लोक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा का आरंभ भगवान शिव ने किया था और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी बनाने की परंपरा का आरंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ भगवान शिव का ही रूप थे, उन्होंने ही खिचड़ी को भोजन के रूप में बनाना आरंभ किया। मकर संक्रांति के अवसर पर रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गोरखनाथ मंदिर देखने को मिली। यहां दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा गुरु श्री गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद आस्था और श्रद्धा के साथ खिचड़ी चढ़ाया। वहीं खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं ने मेले का भी लुत्फ उठाया। जबकि सूर्य चक्र और उत्तरायण भी हो रहा है।
बढ़िया बनाइए, बढ़िया भाई साहब। सेवक लोगों का भी बना लीजिएगा भैया। चलो चलो बच्चों को पढ़ाइए भैया, आपको हाथ हाथ पकड़ना मम्मी का देखिए। मकर संक्रांति का जो पर्व है, मुख्य रूप से हमारे सनातन धर्म की परंपरा में भगवान सूर्य की उपासना के पर्व के रूप में से हम लोग मनाते हैं। भगवान सूर्य जगत पिता के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इस चराचर जगत की संपूर्ण घटनाओं के नियंता भगवान सूर्य देव हैं। मकर संक्रांति का महत्व तो कई कारणों से है। एक, भगवान सूर्य का जो सौर मंडल है वह बारह बराबर राशियों में विभक्त है। एक राशि से दूसरी राशि में भगवान सूर्य का जो संक्रमण होता है वह संक्रांति कहलाती है। अनुराशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण मकर संक्रांति है। संक्रांति के साथ साथ भगवान सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में आगमन, जो हर प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रमुख नदियों में स्नान दान का महत्व प्राचीन काल से चलाया है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में मकर संक्रांति को लोग मनाते हैं। पूरब में बिहू के रूप में असम में मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी के रूप में मकर संक्रांति को लोग मनाते हैं, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, उत्तर भारत में हम खिचड़ी संक्रांति के रूप में से मनाते हैं, महाराष्ट्र और बंगाल में भी दुर्गा संक्रांति के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। इस अवसर पर हमारा जो प्रयागराज का माघ मेला और इस अवसर पर होने वाले स्नान का भी अपना एक महत्व है। बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज में आकर के प्रमुख नदियों में जाकर के स्नान करके एक संकल्प के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से मकर संक्रांति का ये पर्व है,
जहां शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों की दृष्टि महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ उत्तर भारत में यह बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर जिला बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रविवार को जिला अस्पताल में मरीजों के बीच फल एवं अन्य खाद्य पदार्थ वितरित किया। इस दौरान पार्टी के सदस्यों ने मरीजों को फल व अन्य खाद्य पदार्थ भेंट करते हुए उन्हें बसपा सुप्रीमो के जन्म दिवस की बधाई देने के साथ उनके जल्द स्वस्थ ठीक होने की कामना की। इस मौके पर पार्टी के मुख्य जोनल इंचार्ज सुरेश कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष घनश्याम शाही, मंडल जोनल इंचार्ज ब्रजेश कुमार, रामदेव, हरिप्रकाश, अभिजीत यादव, परवेज सिद्दीकी, हरिप्रकाश सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सुरेश कुमार गौतम ने कहा, कोई बात नहीं आप भैया दोनों तरफ से आप लोग खींच लेंगे तो फोटो कहाँ है भैया? भैया लाइए तो प्रभारी जी कहाँ गए? वही आना चाहिए था उधर, पार्सल देता है मरीज छिप जाएगा ना, उधर आ जाओ आप, निकल लो पार्सल देता है और आगे बढ़िए थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए सब लोग आ जाइए इधर इधर सत्तर में हम लोग आए हैं आपको ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहन सुश्री मायावती जी के 62वें जन्मदिन के अवसर पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग मनाने का कार्य कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में बहन जी के जन्मदिन के एक दिन पहले पूर्व संध्या पर आज मरीजों को फल वितरण करके उनके अविलंब स्वस्थ होने की कामना हम सभी लोग करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग मानव जीवन के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस 16 जनवरी को तहसील खजनी में अध्यक्षता जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में होगी। ये जानकारी एडीएम प्रशासन प्रभु नाथ ने देते हुए बताया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे एवं अन्य तहसीलों में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित होंगे। भारतीय महिला सेना की बैठक रविवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन का विस्तार किया गया। संगठन का विस्तार किए जाने के बाद सर्वसम्मत से डॉक्टर तारा सिंह को राष्ट्रीय महासचिव, मीनाक्षी शर्मा को मंडल प्रभारी, सरोज शर्मा को जिला अध्यक्ष, विशाखा को नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। बैठक के दौरान भारतीय महिला सेना के सदस्यों ने नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया।
इस अवसर पर संगीता सिंह, मालती देवी, चंद्रकला, सरोज कुमारी, मीनाक्षी देवी, मधु सहित कई अन्य मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान की अध्यक्ष कालिंदी ने कहा कि ट्रिपल तलाक और नशा मुक्ति जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के साथ राजनीति की शीर्ष गद्दी पर बैठे नेताओं से मुलाकात भी करेंगी। भारतीय नारी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं कालिंदी निर्मल बच्चन। अभी जो भारतीय नारी सेना का एक गठन हुआ था जिसमें सारी जो महिलाएं आप उपस्थित हुई हैं इनका सब पद विस्तार हुआ है और हम महिलाएं इसलिए एक नारी सेना का गठन किए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग बढ़ चढ़ के कार्य करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हम लोगों का डिमांड है। एक तो सबसे पहले है कि तीन तलाक का, जो तीन तलाक केवल उसे आज़ादी नहीं मिल गई है और केवल हिंदू महिलाएं ही हैं जो आज़ाद हैं कि एक शादी होती है और बाकी हमारी बहनें क्यों आज़ाद ना हो, उन बहनों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और दूसरा है कि हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति हो, इसके लिए हम लोग यहाँ से लखनऊ तक जाएंगे और राज्यपाल जी से मिलेंगे। ऐसे अभी हमारे सारे जितने पद थे वो सब भंग थे तो अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव तारा जी को बनाया और मंडल प्रभारी मंडल अध्यक्ष मीनाक्षी जी हैं और गोरखपुर जिला अध्यक्ष हैं सरोज बहन जी, नगर अध्यक्ष हैं विशाखा जी और बाकी हमारी बहनें लोग हैं। गोरखपुर महोत्सव में शिल्प मेला, बुक फेयर, ट्रेड फेयर और ऑटोमोबाइल्स फेयर आगामी 17 जनवरी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में चलता रहेगा। ये जानकारी महोत्सव समिति के अध्यक्ष एवं कमिश्नर अनिल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव में एक ओर जहां भदोई के कालीन के रंग जमा रहे हैं तो वहीं बुक फेयर में राजकमल प्रकाशन की किताबें लोगों का मन मोह रही हैं। उन्होंने बताया कि शिल्प मेले में हरिद्वार से आए ऊनी कपड़ों और जैकेट लोगों को भा रहे हैं तो क्षेत्रीय गांधी आश्रम के कंबल, चादर और कुर्ते भी लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा दूर दूर से आए शिल्पियों के उत्पादों को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुक फेयर में गीता प्रेस की आध्यात्मिक पुस्तकें भी लोगों को काफ़ी भा रही हैं। इसके अलावा राजकमल प्रकाशन, डायमंड प्रकाशन, स्टूडेंट कॉर्नर, भारतीय ज्ञानपीठ, शास्त्री प्रकाशन, रोहित बुक आदि के द्वारा देश विदेश की पुस्तकों का प्रकाशन रखा गया है। ट्रेड जोन में HURL, इन्वर्टर, मित्तल आई, शुद्धिकरण नशा मुक्ति केंद्र, शंकर आई एंड मैटरनिटी क्लिनिक, UTIRO, प्रतिमा शंकर फ्लोर मिल, डिजिटल सेवा केंद्र का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र है। जनपद की शिक्षण संस्थाओं GD गोयनका के IPM, ITM, वैभव कला, पूर्वांचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, बुद्धा इंस्टीट्यूट आदि ने भी अपनी उपलब्धता प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सर्वो, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गैलेंट TMT, ऑटोमोबाइल्स फेयर में सुभाष मोटर, हुंडई, सरदार मोटर्स, स्मार्ट व्हील्स, भीम मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की रेंज रखी है। परिषदीय अनुदेशक संघ के तत्वावधान में अपने निर्धारित मानदेय को लागू कराने के लिए एक छदम बिछाटन का कार्यक्रम महानगर के गोलघर की सड़कों पर किया गया। संघ के अनुदेशकों का कहना है कि उनका बढ़ा हुआ मानदेय 17,000 रुपये है जो कि अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसे हालात में उनका जीवन निर्वहन करना दूभर हो गया है। उनका कहना है कि शासकीय लापरवाही की वजह से उनका अभी तक बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल सका। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषदीय अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया। करना पड़ा सर, हम लोग उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पूरे प्रदेश में 31,000 की हमारी संख्या है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड 2017-18 की बैठक में भारत सरकार ने हम लोग का मानदेय 17,000 रुपया पास किया था
लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए हम आपको 17,000 रुपया अभी देने में असमर्थ है। इसी को लेकर मांगों को लेकर हम लोग आज गोलघर की सड़कों में भिछाटन कर रहे हैं, और इससे जो भी पैसा एकत्रित होगा ये सारा पैसा हम उत्तर प्रदेश सरकार को मनी ऑर्डर के द्वारा भेज देंगे, जिससे कि हमारा 17,000 का मानदेय उत्तर प्रदेश सरकार कर सके। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब, 15 जनवरी को बाबा गुरु श्री गोरखनाथ को चढ़ेगी खिचड़ी। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच बांटे फल व अन्य खाद्य पदार्थ। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में 16 को खजनी में होगा जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। ट्रिपल तलाक और नशा मुक्ति जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर राजनीति की शीर्ष गद्दी पर बैठे नेताओं से मुलाकात करेगी महिला सेना। गोरखपुर महोत्सव के अध्यक्ष एवं कमिश्नर अनिल कुमार के अनुसार गोरखपुर महोत्सव में शिल्प मेला, बुक फेयर, ट्रेड फेयर और ऑटोमोबाइल्स फेयर आगामी 17 तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और परिषदीय अनुदेशक संघ के लोगों ने किया बिछाटन, 17,000 मानदेय की मांग कर रहे हैं अनुदेशक। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।